Hello and welcome to SPM IAS daily newspaper analysis. In today's session we will be taking up important issues that came in the Hindu newspaper on 13th and 14th September 2019. The first article of the day is about new pension schemes for farmers and shopkeepers. The article came on page 12 of the Hindu on 13th September and it is part of the syllabus governance welfare of vulnerable sections. Context: Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana and Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana launched by Prime Minister Modi. तो देखते हैं कि इन दोनों schemes के अंदर provisions क्या हैं. Both these schemes, Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana and Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana are pension schemes, जिसमें beneficiaries को एक pension amount मिलेगा after the age of 60 years. Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana देखते हैं इसके provisions. So the pension scheme for farmers having land holding size less than 2 hectares. तो जिन भी farmers की land holding overall 2 hectares या उससे कम होगी वो इस scheme का बेनिफिशियरी बन सकते हैं. बट एक क्रिटिसिजम इस स्कीम का ये हो सकता है कि दैट दिस स्कीम डज नॉट सर्व लैंडलेस वर्कर्स और फार्मर्स. तो लैंडलेस वर्कर्स या फार्मर्स को भी इस स्कीम में इंक्लूड करना चाहिए जो कि अभी तक इसके अंदर प्रोविजन नहीं है. ये क्रिटिसिजम आप लिख सकते हैं. सेकेंड, remuneration of rupees 3000 per month will be given after attaining an age of 60 years. A person between age group of 18 years to 14 years allowed to enroll under the scheme. So 18 से 40 साल की उम्र के लोग ही इस स्कीम के अंदर enroll कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते. So आपको एक certain premium amount भरना होगा in order to register as a beneficiary. और वो जो प्रीमियम अमाउंट होगा दैट विल डिपेंड ऑन योर एज. अगर आपने 18 साल की एज में ही इस स्कीम के अंदर अपने आप को इनरोल कर दिया है तो नेचुरली आपको पेंशन जो 3000 रुपए की मिलेगी उसके लिए प्रीमियम आपको कम भरना होगा. 18 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक आपको सिर्फ 55 रुपीज पर मंथ भरना होगा प्रीमियम. वाइल अगर आपने 40 साल की उम्र में इनरोल किया इस स्कीम में तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम भरना होगा एंड दैट विल बी समवेयर अबाउट 200 रुपीज पर मंथ. One thing that you need to keep in mind कि जितना भी premium amount होगा उसका 50% beneficiary को pay करना and the remaining 50% has to be paid by the government. तो 50% contribution towards the premium will be done by the government. दूसरा है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना. इसके provisions भी देखते हैं. इसके प्रोविजंस भी सिमिलर हैं, बस बेनिफिशियरीज के लिए क्राइटेरिया चेंज किया हुआ है. पेंशन स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैविंग टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़. तो ऐसे जो भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो इस पेंशन स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी के रूप में इनरोल कर सकते हैं. द रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स. अ पर्सन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स are allowed to enroll under the scheme and the premium depends on the age of the beneficiary and 50% of the premium will be paid by the government and remaining 50% by the beneficiary. तो क्राइटेरिया को छोड़ करके beneficiaries के क्राइटेरिया को छोड़ करके बाकी सारे provisions इन दोनों pension schemes में same हैं. कैसे हम इसको answer writing में use कर सकते हैं? तो देखो यूपीएससी में डायरेक्टली इस स्कीम के बारे में पूछेगा नहीं. इसको तुम कहीं मेंशन कर सकते हो एज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वल्नरेबल सेक्शंस स्पेशली ओल्ड एज पीपल. दूसरा, अगर इस तरह के कोई भी सवाल आए तो तुम कंक्लूजन में यू कैन मेंशन आर्टिकल 41 ऑफ डीपीएसपी दैट डायरेक्ट्स द स्टेट फॉर इफेक्टिव प्रोविजन ऑफ पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज. तो ये दोनों स्कीम्स जो हैं वो भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं सीकिंग गाइडलाइन फ्रॉम आर्टिकल 41 ऑफ डीपीएसपी. अच्छा, इसी आर्टिकल में अपार्ट फ्रॉम दीज टू पेंशन स्कीम्स द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड फ्यू मोर इनिशिएटिव्स.
जैसे कि पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली इन झारखंड, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट टर्मिनल इन साहिबगंज झारखंड, एंड 462 मोर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ओपन्ड। सो देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली इन झारखंड। अ न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर झारखंड, एंड दिस बिल्डिंग इज कंप्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इट विल रन ऑन सोलर एनर्जी एंड इट्स स्ट्रक्चर विल हैव वाटर हार्वेस्टिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन फैसिलिटीज। पेपरलेस लेजिस्लेटिव बिल्डिंग से क्या मतलब है? पेपरलेस लेजिस्लेटिव बिल्डिंग का मतलब है कि जो भी लॉ रिलेटेड पेपर वर्क्स होते थे उन सबको अब डिजिटल फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाएगा, और ये डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा लेजिस्लेचर्स को ऑन अ टैब, और इस तरह से जो पेपर की रिक्वायरमेंट है उसको लगभग पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड। और लॉन्ग टर्म में यही प्लान है फॉर अदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इससे होगा क्या, पेपर कंजम्पशन कम होगा, तो द रिलेटेड कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग दोज पेपर्स विल ऑल्सो कम डाउन। सो इन दिस वे इट विल हेल्प अस इन फॉरेस्टेशन मेजर्स एंड कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज। दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट टर्मिनल एट साहिबगंज इन झारखंड। सो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट टर्मिनल ऑन गंगा इन साहिबगंज झारखंड, एंड द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ जल मार्ग प्रोजेक्ट एंड इज बिल्ट ऑन नेशनल वाटर वे नंबर 1। तो मैंने ज्योग्राफी क्लास में भी तुम्हें पढ़ाया दैट नेशनल वाटर वे नंबर 1 रन्स फ्रॉम इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया है, सो फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया ऑन गंगा रिवर। और नेशनल वाटर वे नंबर 1 के ऊपर भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर के आई है, जल मार्ग प्रोजेक्ट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशनल वाटर वे नंबर 1। और इस जल मार्ग प्रोजेक्ट के अंदर भारत सरकार 3 ऐसे टर्मिनल्स को डेवलप कर रही है एज मल्टी मॉडल टर्मिनल्स। मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब ये हुआ कि ये जो शिप पोर्ट होंगे दे विल बी प्रॉपरली कनेक्टेड विथ रोडवेज एज वेल एज रेलवेज। सो ये न्यूज है कि भारत सरकार साहिबगंज का जो पोर्ट है उसको मल्टी मॉडल पोर्ट की तरह डेवलप कर रही है। साथ ही साथ 2018 में वाराणसी पोर्ट हैज़ बीन ऑलरेडी डेवलप्ड एज ए मल्टी मॉडल पोर्ट, और जो तीसरा प्रोजेक्ट 2020 में आने वाला है दैट विल बी डेवलपमेंट ऑफ हल्दिया पोर्ट एज मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट टर्मिनल। सो इस नेशनल जल मार्ग प्रोजेक्ट के अंदर 3 पोर्ट्स को डेवलप किया जाना है, जिसमें से 2 अब हो गए हैं, वाराणसी वाला और साहिबगंज वाला, जबकि हल्दिया का पोर्ट डेवलपमेंट एज मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट टर्मिनल होना अभी बाकी है, दैट विल हैपन इन 2020। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट है एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल का। 462 न्यू एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल हैज बीन ओपन्ड। इसका जरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इट वॉज स्टार्टेड इन 1997-98। इसका पर्पज था क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। और जिस स्कीम को रन करने के लिए जो फंड आएगा दैट विल कम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 275(1) इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। ये पॉलिटी क्लास में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दैट दिस ग्रांट इन एड कम्स ओवर एंड अबोव द फंड डिवोल्यूशन मैंडेटेड बाई फाइनेंस कमीशन। सो ग्रांट इन एड के तहत आता है अंडर आर्टिकल 275(1) फंड फॉर रनिंग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। दो द फंड कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली टेकन केयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। बजट 2018-19 में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया था
रिलेटेड टू एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, एंड दिस इज दैट एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन विल हैव एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल बाई 2022। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इट इम्पार्ट्स फ्री एजुकेशन टू ट्राइबल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 12। अगर तुम इस स्कीम के बारे में देखो देन यू विल नो दैट द स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एंड इट इम्पार्ट्स फ्री एजुकेशन टू ट्राइबल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, नॉट फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 12। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबोव। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल एक्ट 2019। इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल हम लोग पिछले कुछ टाइम में ले चुके हैं। वन थिंग यू नो दैट द मोटर व्हीकल एक्ट हैज बीन अमेंडेड इन 2019 एंड द फाइन्स हैव बीन इंक्रीज्ड स्टीपली फॉर ट्रैफिक वायलेशंस। केम ऑन पेज 9 ऑफ द हिंदू ऑन 13 सितंबर, पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड लॉज। अब इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है, दैट मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर अनफेयर इंक्रीज इन पेनल्टी अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अब बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा पेनल्टी इंक्रीज करना अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 2019 अनफेयर है। देखते हैं क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। आपको ऑलरेडी मैंने ये स्लाइड दिखा दिया था, हाउ द फाइन्स हैव बीन इंक्रीज्ड स्टीपली। कुछ और फैक्ट्स देखो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है कम्प्लीटली फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस न्यू एक्ट। गुजरात सरकार भी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है आफ्टर सर्टेन मॉडिफिकेशंस, जबकि गवर्नमेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश आर रिव्यूइंग द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें भी तो कैसे करें। इन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का ऐसा मानना है दैट मेयर इंक्रीज इन द फाइन्स विल नॉट ब्रिंग डाउन एक्सीडेंट रेट्स, देर इज नीड ऑफ बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑल्सो। सिर्फ फाइन इंक्रीज करने से अगर हम लोग सोचते हैं कि रोड कैजुअलिटीज कम हो जाएंगी देन दिस इज नॉट ट्रू। ये तो आर्टिकल था जो न्यूज़पेपर में आया, बट इससे रिलेटेड एक लीगल क्वेश्चन उठ जाता है, और लीगल क्वेश्चन ये है दैट कैन अ स्टेट गवर्नमेंट टर्न डाउन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो क्या स्टेट सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर सकती है, जैसा इस केस में हो रहा है। इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमें जानना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। सो अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 डिवाइड्स द सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट इन जनरल holds only those subjects on which state legislature can make laws and those laws can be implemented by the state government. A union list, only the parliament can make laws and will be implemented only by the union government. While concurrent list hold those topics on which both state legislature and parliament can make laws but the responsibility to implement lies with the state government. अभी द मैटर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जिससे रिलेटेड ये लॉ है मोटर व्हीकल्स एक्ट इज इन द कंकरेंट लिस्ट, सो बोथ स्टेट एंड पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर। दोनों अपने अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं। बट अ बिग क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट। अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी भी मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर का अपना एक कानून है और पार्लियामेंट का अपना एक कानून है और दोनों ही लॉज में कुछ इनकंसिस्टेंसी है या कन्फ्लिक्ट है तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इस केस में अब स्टेट गवर्नमेंट्स के जो लॉज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनमें कुछ कन्फ्लिक्ट आ रहा है। सो इसको समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू, इस क्वेश्चन को लेते हैं, इसको सॉल्व करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। Which of the following statements are true? If there is a contradiction in law of state and union on a subject of concurrent list, the law of state will prevail. ये पहला statement है
एंड सेकेंड, इन नो सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स को हम लोग एक बार देखते हैं। तो आर्टिकल 254 क्या कहता है, दैट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल, बट इफ द स्टेट लॉ वॉज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, देन इन दैट केस द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विल प्रिवेल। सो द पहला स्टेटमेंट ये गलत है, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शुड प्रिवेल, और वही होगा इस केस में भी। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो वही प्रिवेल करना चाहिए स्टेट्स के अंदर भी। और यही कारण है कि जितने भी स्टेट्स ने उसको इम्प्लीमेंट करने से मना किया है, दे विल बी इशूड अ डायरेक्टिव बाई द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस न्यू लॉ। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कंसल्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, और उसके बाद इन सारे स्टेट्स को, चाहे वो गुजरात हो जाए या फिर वेस्ट बंगाल हो जाए, इन सबको डायरेक्टिव्स दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए पढ़ते हैं, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट इन फाइव सर्कमस्टांसेस, व्हेन राज्यसभा पासेज अ रिजोल्यूशन, और ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, और टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। तो ये हम लोग अपने पॉलिटी क्लास में भी बार बार देखते हैं कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं जिसमें पार्लियामेंट स्टेट मैटर्स पे भी कानून बना सकता है, एंड दैट इज वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इट सेज दैट इन नो सर्कमस्टांसेज पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर विल बी डी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एडवर्स लिस्ट, इसको समझते हैं। इट केम ऑन पेज वन ऑफ द हिंदू ऑन 14 सितंबर, इट इज पार्ट ऑफ GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, प्लस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ GS पेपर 1 पोस्ट कॉन्सोलिडेशन। नेम्स ऑफ 312 इंडियन ओरिजिन सिख हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट मिलिटेंसी एडवर्स लिस्ट। इसको समझने के लिए इस पूरे इशू का बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, इन लेट 70s एंड इन अर्ली 80s there was a rise of separatism in and insurgency in Punjab. तो पंजाब वाला जो एरिया है, यहाँ पे कुछ लोकल सिख कम्युनिटीज़ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, and they were demanding a separate country that should be called खालिस्तान। यह खालिस्तान मूवमेंट आज के प्रेजेंट डे पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में प्रिवेल कर रहा था, एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश वाले रीजन में ये खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, जब लोग डिमांड कर रहे थे दैट दे वांट अ सेपरेट कंट्री खालिस्तान, एंड दिस एंटी इंडिया मूवमेंट वॉज फंडेड बाई पाकिस्तान, एंड इन पंजाब द मूवमेंट वॉज लेड बाई जर्नैल सिंह भिंद्रांवाले, ही ऑपरेटेड फ्रॉम गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सैक्रेट प्लेस फॉर सिक्स इन इंडिया, उसको इन्होंने अपना सेफ हेवन बना लिया था इन टेररिस्ट ने, और वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। अंत में इंडियन आर्मी हैड टू लॉन्च एन ऑपरेशन कॉल्ड ब्लू स्टार इन जून 1984 टू फोर्स भिंद्रांवाले एंड अदर टेररिस्ट आउट ऑफ गोल्डन टेम्पल। ऑपरेशन ब्लू स्टार से बहुत सारे सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट भी हर्ट हुई थी, उनको ऐसा लग रहा था कि इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर ये ऑपरेशन कंडक्ट करके पूरे सिख कम्युनिटी को हर्ट किया है, उनका इंसल्ट किया है। और तभी 1984 अक्टूबर में उस टाइम की प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी के दो सिख बॉडीगार्ड्स ने उनका असैसिनेशन कर दिया फॉलोइंग दिस ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उसके बाद इंडिया भर में एंटी सिख राइट्स भी फैले थे, जिसमें अबाउट 7,000 सिख्स वेयर मसाकर्ड। तो ये हम लोग अलग से देखेंगे व्हेन वी विल बी डूइंग पोस्ट कॉन्सोलिडेशन हिस्ट्री, बट राइट नाउ लेट अस फोकस ऑन द एडवर्स लिस्ट जो इस आर्टिकल का हेडिंग है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भिंद्रांवाले को लिक्विडेट कर दिया गया, उनके सारे टेररिस्ट जो सपोर्टर्स थे उस टाइम के लिए, तो दे वेयर लिक्विडेटेड, और
गोल्डन टेम्पल वॉज मेड फ्री फ्रॉम दिस टेररिस्ट, लेकिन कुछ टेररिस्ट ऐसे थे और कुछ सपोर्टर्स ऐसे थे खालिस्तान मूवमेंट के जो उस टाइम में ब्लू स्टार मूवमेंट में बच गए, ब्लू स्टार ऑपरेशन में बच गए। दे वेंट आउटसाइड इंडिया एंड ट्राइड टू सपोर्ट मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड, एंड दस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एट दैट टाइम प्रिपेयर्ड अ लिस्ट कॉल्ड एडवर्स लिस्ट, एंड दिस एडवर्स लिस्ट कॉन्टेन्ड नेम ऑफ द सिंपथाइजर्स ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। ये सारे ऐसे सिंपथाइजर्स जो पहले इंडिया से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, एंड आफ्टर ब्लू स्टार दे वेंट अब्रोड टू सपोर्ट दिस खालिस्तान मूवमेंट, उनका एक लिस्ट प्रिपेयर किया गया और उस लिस्ट का नाम दिया गया एडवर्स लिस्ट, एंड पीपल नेम्ड इन दिस एडवर्स लिस्ट वे आर बैंड फ्रॉम एंटरिंग इन टू इंडिया। अभी का न्यूज क्या है ये देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिमूव नेम्स ऑफ 312 इंडिविजुअल्स फ्रॉम एडवर्स लिस्ट। उनका ऐसा मानना है होम मिनिस्ट्री का कि ये लोग एट द टाइम ऑफ खालिस्तान मूवमेंट एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार वेयर थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, बट नाउ खालिस्तान मूवमेंट हैज़ कम्प्लीटली डिसिपिएटेड एंड दे आर नो लॉन्गर थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सो दे कैन नाउ बी अलाउड टू अक्वायर वीजा एंड कम टू इंडिया। दे कैन ऑल्सो ऑप्टेन द स्टेटस ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर OCI कार्ड होल्डर स्कीम्स। ये OCI कार्ड होल्डर स्कीम मैं अपने बेसिक पॉलिटी क्लास में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। दोज पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन स्टेइंग अब्रॉड एंड हैविंग सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री कैन अक्वायर दिस OCI कार्ड होल्डर स्कीम बेनिफिट्स। अंडर दिस दे विल बी गिवेन सम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर एनी अदर फॉरेनर्स वेन दे कम टू इंडिया, बट माइंड इट, हैविंग एन OCI कार्ड डज नॉट मीन दैट यू हैव गॉट अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। लेट अस हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कनेक्टेड विथ खालिस्तान मूवमेंट? ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू खालिस्तान मूवमेंट। ब्लैक थंडर के बारे में देखो। ऑपरेशन ब्लैक थंडर इज द नेम गिवेन टू टू ऑपरेशंस दैट टुक प्लेस इन इंडिया इन लेट 1980s टू फ्लश आउट रिमेनिंग सिख मिलिटेंट्स फ्रॉम गोल्डन टेम्पल यूजिंग ब्लैक कैट कमांडोज। तो ब्लैक कैट कमांडोज को यूज किया गया था, दैट इज व्हाट इज नोन एज ब्लैक थंडर। और ब्लैक थंडर फॉलोड ऑपरेशन ब्लू स्टार टू फ्लश आउट रिमेनिंग टेररिस्ट आउट ऑफ गोल्डन टेम्पल। सो ऑपरेशन ब्लैक थंडर इज ऑल्सो रिलेटेड टू खालिस्तान मूवमेंट एंड करेक्ट आंसर विल बी सी बोथ। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जन सूचना पोर्टल, केम ऑन पेज 12 ऑफ द हिंदू ऑन 14 सेप्टेम्बर, इज पार्ट ऑफ GS पेपर 2 गवर्नेंस। राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जन सूचना पोर्टल। तो देखते हैं जन सूचना पोर्टल के बारे में। इसको समझने के लिए पहले हम लोग को ब्रीफली देखना होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कई बार हम लोग अपने स्टैटिक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ब्रीफली एक बार देखते हैं। अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, द पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन को अगर पब्लिक चाहती है जानना, तो पब्लिक अथॉरिटीज विल रिलीज दोज पब्लिक इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसका प्रोसीजर क्या, एक बार ब्रीफली देखते हैं। सबसे पहले यू विल हैव टू सबमिट अ रिटन रिक्वेस्ट टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव यू और फर्निश यू दैट इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज। और ये अगर आपको 30 डेज के अंडर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं या सेटिस्फैक्ट्री तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, देन यू कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट अगेंस्ट दिस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन एन अपीलेट अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। और ये अगर अपीलेट अथॉरिटी भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, देन यू कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट अगेंस्ट दिस अपीलेट अथॉरिटी इन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर। अब एक चीज तुम्हें आज इस आर्टिकल से रिलेटेड समझनी है, दैट सेक्शन 4 ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक सुओ मोटो और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में ही उसके सेक्शन 4 में लिखा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, सारे जो पब्लिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो पब्लिक पोर्टल पे, डिजिटल पोर्टल पे खुद ही अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम,
और इससे क्या होगा, द नीड ऑफ सबमिटिंग ए रिक्वेस्ट फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। जब सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होगा ऑनलाइन, देन देयर इज नो नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। और धीरे धीरे इस तरह से इस पूरे सिस्टम की जरूरत खत्म हो जाएगी, ऐसा लिखा था सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट में। लेकिन इस डायरेक्शन में पिछले 15 सालों में आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव स्टेप लिया नहीं है। नन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वॉलेंटरीली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। वो तभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं जब कोई एक पर्सन रिक्वेस्ट सबमिट करे टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। लेकिन इस डायरेक्शन में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, इट हैज लॉन्च्ड जन सूचना पोर्टल, और इस जन सूचना पोर्टल पे इट विल ट्राई टू डिक्लेयर सुओ मोटो डिस्क्लोजर्स ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट। इसी आर्टिकल में कुछ चीजें दी हैं ऑथर ने, जिसको तुम अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ऑथर ने कहा है दैट गुड गवर्नेंस इज इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी प्लस ट्रांसपेरेंसी, और अगर सुओ मोटो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जाए देन इट ब्रिंग्स बोथ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो द ऑथर राइट्स दैट जन सूचना पोर्टल विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स अटेनिंग गुड गवर्नेंस, और बाकी सारे स्टेट्स को भी ये फॉलो करना चाहिए। उन्होंने एक कोड भी यूज किया है जो तुम अपने आंसर राइटिंग में एथिक्स के या एसए के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, दैट इज इंफॉर्मेशन इज करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी बाय थॉमस जेफरसन। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक बार पहले पढ़ते हैं, देन वी विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आरटीआई एक्ट 2005 एस्टैब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन कमीशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, सो दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर आरटीआई एक्ट 2005। सेकेंड, इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस ₹10 विच कैन बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक। तो ध्यान रखो आरटीआई एक्ट के अंदर जब भी कोई एप्लीकेंट एक रिक्वेस्ट सबमिट करता है फॉर द इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ उसको एक ₹10 का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक भी सबमिट करना पड़ता है। सो द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट इज नॉट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबोव। दैट इज फॉर दिस सेशन, थैंक यू।